सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एडसेंस के अंदर लिंक एड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर लगा के अपनी वेबसाइट की अर्निंग कैसे बढ़ाते हैं। मेरा जो ब्लॉग है onlinesahita.in, उसके साइड बार में आपने देखा होगा कि मैंने एक लिंक एड लगा रखी है जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए, अभी यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, हाउ मेकिंग मनी ऑनलाइन, वीडियो मेकिंग, अर्न ऑनलाइन, बैंकिंग ऑनलाइन, ओके, इस तरह से लिंक एड के अंदर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब देखिए, ये एड अपनी वेबसाइट के अंदर लगाने का फायदा ये होता है कि इस एड के ऊपर क्लिक बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो एड है वो एक ऑप्शन की तरह दिखाई देती है। तो जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं तो वो इस एड पे क्लिक करने के बारे में एक बार जरूर सोचता है। यदि विजिटर जो सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड इसके अंदर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं तो वो 100% इस एड पे क्लिक जरूर करेगा। और यदि कोई विजिटर आपके एड पे क्लिक करता है तो उसके आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह के एड यूनिट को आप अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब देखिए, इस एड यूनिट को एडसेंस के अंदर क्रिएट कैसे करते हैं और अपने ब्लॉग में कैसे लगाते हैं, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक एड यूनिट को एडसेंस के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको एड्स के नाम से ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एड्स के अंदर आपको यहाँ पे एड यूनिट के नाम से ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब एड यूनिट ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू एड यूनिट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको टेक्स्ट एंड डिस्प्ले एड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक एड यूनिट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, ओके, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी एड यूनिट का नाम डालना होगा। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक एड, ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन है एड साइज का, इसके अंदर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अलग अलग एड साइज दिखा दी जाएंगी। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है लिंक एड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे आपके जो एड साइज है वो पूछी जाएगी नीचे, तो यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक साइज, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद आपको इस एड यूनिट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट सेव एंड गेट कोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके एड यूनिट का जो कोड है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, आपको इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद अपने ब्लॉगर में आ जाना है। ब्लॉगर में आने के बाद आप जहाँ पे भी इस एड यूनिट को लगाना चाहते हैं वहां पे लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं इस एड यूनिट को अपनी वेबसाइट के साइड बार में लगाना चाहता हूँ, ओके, तो उसके लिए हम लेआउट में आएंगे। लेआउट के अंदर हम साइड बार के अंदर एक न्यू गैजेट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम HTML एंड JavaScript का जो गैजेट है उसको यहाँ से ऐड करेंगे। इसके बाद हमारा जो ऐड कोड है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके, और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद हमारी जो लेआउट है उसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब चलिए हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं और देखते हैं कि वो जो एड है वो शो होनी स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। तो देखिए, हमारी जो एड है वो यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब चाहे तो इस एड को अपनी पोस्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लिंक एड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। लेकिन इस एड का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इस एड को सही जगह पे लगाओगे, यानी कि इस एड को आपको एक ऐसी जगह पे लगाना है जहां से आपके विजिटर को ये अच्छे से दिखाई दे। तो इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ब्लॉगर अकाउंट है तो आप हमारे ब्लॉग www.onlinesahita.in पे आइए और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप हमारे ब्लॉग को फॉलो जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो उसको भी लाइक जरूर करें। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।